राम राम दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि यूपी पुलिस 2018 की भर्ती के केस से रिलेटेड जो जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी वो हम आपको लेटेस्ट देते रहेंगे, जल्दी से जल्दी देते रहेंगे। ऐसा ही एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। हम आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे, हर लेटेस्ट न्यूज़ देंगे यूपी पुलिस के 2018 के केस से रिलेटेड। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के अखबार से लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि जिसमें बताया गया है कि जज का कोर्ट ने फैसला आ गया है। ये हेडलाइन हम देख सकते हैं जूम करके, जिसमें लिखा गया है हाई कोर्ट के सेक्शन में, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 की अपील पर जवाब तलब। जी हाँ दोस्तों, ये बात हुई है कि जज का फैसला आया है। जज ने, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में दोनों पाली में एक ही प्रश्न पत्र बांटने पर पेपर लीक की संभावना को लेकर दाखिल विशेष अपील पर पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण गोपाल व अन्य की अपील पर दिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस एवं पीएससी पुरुष महिला कांस्टेबल भर्ती 2018 की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, इसीलिए परीक्षा निरस्त कर नए सिरे से कराई जाए। एकल पीठ में याचिका खारिज कर दी गई थी जिसे अपील की चुनौती दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है बिल्कुल हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट के सेक्शन में। और आप ये यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सैटरडे 18 अगस्त 2018 का ये न्यूज़पेपर है जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। दोस्तों, हमें आप सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। हम आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे यूपी पुलिस के केस से रिलेटेड। हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे दो, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, राम राम दोस्तों।